Hello everyone and welcome to my channel. I hope you all are doing good and I'm also fine and doing great. So guys, आप में से दो तीन subscribers का मुझे message आया था. They suggested me to do makeup video, जिसको हम बोलते हैं no makeup video, wherein आप एक डेली रूटीन के लिए जो आप मेकअप करते हैं, लाइक पार्टीज में तो हम हैवी मेकअप करते हैं, ऑब्वियसली हैवी बेस होता है एंड ऑल दैट, बट व्हाट वी डू फॉर डेली मेकअप. गाइस, देखो सब अपने अपने तरीके से मेकअप करते हैं एंड आई एम नॉट आई विल से कि मैं हैवी मेकअप यूज करने में बिलीव नहीं करती. आई एक्चुअली मैं अपने फेस पे एज लेस एज आई कैन आई प्रेफर कि मैं अपने फेस पे बहुत जितना कम हो सके उतना कम प्रोडक्ट्स को यूज़ करूं. सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है एंड मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया था, सो दैट टू अवॉइड वेस्टिंग द टाइम. सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. बाल बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट फेस विजिबल रहेगा. ओके, सो इट्स डन. सो प्राइमर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एज मच एज प्रोडक्ट कम यूज़ करती हूँ. पहले मैं मेबलिन का प्राइमर यूज़ करती थी, बट अभी वो ख़त्म हो गया, सो आई एम यूजिंग पतंजलि का एलोवेरा जेल. ये एज ए प्राइमर इट गिव्स गुड रिजल्ट्स एज ये आपके पोर्ट्स को और आपके आपकी फाइन लाइन्स पोर्ट्स को, मतलब जो आपके मेकअप के लिए एक अच्छा सा बेस देती है. All right, so it's done. एक सजेशन गाइज, जब भी आप कोई क्रीम या फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, जस्ट ट्राई टू मेक इट लाइक दिस टूवर्ड्स अपवर्ड्स. ऐसे मत करना क्योंकि आपका स्किन उससे सैगिंग हो जाती है स्किन की, विच शुड नॉट बी डन. सो जस्ट अपना फेस को ऊपर की तरफ करिए. राइट, आफ्टर दैट जो होता है, आई यूज टू अप्लाई लैक्मी एब्सोल्यूट का. माई शेड इज आइवरी फेयर, सो दिस इज लैक्मी एब्सोल्यूट मूस, जो मैं अपने फेस पे थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा. लेट मी शो यू, ना के बराबर, जस्ट इतना सा. ये ऐसी ट्यूब में आता है, सो यू हैव टू टेक इट, अपने हैंड पे ही लेना पड़ता है आपको. सो जहां जहां आपको लगता है वहां वहां आप इसको लगा लीजिए. जस्ट ब्लेंडेड, मैंने अपना ये ब्यूटी ब्लेंडर को पहले ही डैप उसमें सोक कर लिया था, सो इट्स वेट. कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ करिए, आपका सारा प्रोडक्ट आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे लग जाएगा और कोई फायदा नहीं है. सो जस्ट जेंटली डैब. डैब डैब डैब, इसको डैब करते जाइए, सो दैट आपके स्किन के इट विल स्प्रेड आउट इवनली. गाइज, आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट अ पार्टी मेक ओवर. उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जहाँ पे हम एक हैवी मेकअप करते हैं. इट्स जस्ट द डेली बेसिक मेकअप, राइट? जैसे मेरे को ऑफिस जाना होता है या फिर ऐसा कुछ, मतलब कहीं बाहर जाना होता है नॉर्मली, दैट्स इट. आफ्टर दैट बड़ा मिरर मैंने लिया नहीं है, बहुत बड़ा था, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस स्मॉल मिरर. राइट, आई एम जस्ट डैबिंग अ लिटल मोर. सॉरी, मैं कैमरा में नहीं देख पा रही हूँ इसको करते हुए, सो प्लीज बेयर विद मी. ओके, इट्स डन. आफ्टर दैट मेरे थोड़े से अंडर आईज डार्क सर्कल्स हैं, दैट इज द ओनली फ्लॉ इन माई फेस स्किन दैट आई हैव डार्क सर्कल्स. सो उसके गाइज, मेरे अंडर आईज में थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, सो मैंने आई यूज मेबलिन का कंसीलर
एंड माई शेड इज फॉर दिस इट्स 130 शेड 130 मीडियम. सो इसको भी मर्ज कर लेते हैं गाइज. आई लव इससे पहले जो मैंने लैक्मी एब्सोल्यूट किया था यूज़, आई लव दैट प्रोडक्ट. उसकी जो कवरेज है दैट इज़ वेरी नाइस एंड उसका जो कवरेज देता है दैट्स अ मीडियम कवरेज. ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्टर और कहीं पे मुझे शूट नहीं करना है, कहीं मुझे कोई मूवीज में शूट नहीं करना है, बट फॉर अ नॉर्मल रूटीन एंड इवन फॉर अ पार्टी मेकअप दैट्स वेरी नाइस. सो मैंने अपना अंडर आइज पे इसको लगा लिया है एंड जस्ट टू सेट इट डाउन बिकॉज अंडर आइज में जब आप कंसीलर लगाते हैं तो क्या होता है, आई विल थोड़ा सा मैं इसको और मर्ज कर लूँगी. तो जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके अंडर आइज के नीचे चोकी हो जाता है आपका कंसीलर. टू मेक इट फ्लॉलेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई सम कम्पैक्ट और लूज पाउडर टू जो कि ये सेट कर दे. आई एम यूजिंग अगेन लैक्मी 9 to 5 एब्सोल्यूट पावर पाउडर सो दैट मेरा जो कम्पैक्ट है ये, सो दैट मेरा जो अंडर आइज के नीचे जो मैंने कंसीलर लगाया है वो सेटल डाउन हो जाए, वो चौकी ना हो. सो आई विल डू इट क्विकली. जस्ट लाइट लाइट, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, वो सफ़ेद भूत नहीं बनना है. थोड़ा थोड़ा अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए इसको सो दैट आपका आईज जो सारा जो आपका आपने जो बेस दिया है वो सेटल डाउन हो जाए. अपने कान मत भूलिएगा क्योंकि आपका जो कम्प्लेक्शन होता है वो आपके कान के साथ मैच करना चाहिए, नहीं तो आप अलग से लगेंगे, कान अलग से लगेंगे और आपका जो स्किन टोन है वो अलग से ही दिखेगा और आप पूरे भूत लगोगे. आई एम सॉरी. ओके सो आफ्टर दिस गाइज आई विल अप्लाई आई शेडो. आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस इज फ्रॉम रोज. बहुत बेसिक सा शेडो लगा रही हूँ मैं इसमें. आई एम यूजिंग डेली यूज़ के लिए क्योंकि मुझे यूज़ करना है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी. आई विल गो फॉर विद दिस वन. बिल्कुल न्यूट्रल सा शेड है ये. ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना है इसको, क्रीज लाइन से ले जाते हुए. आई हैव टू डू इट लाइक दिस, जस्ट द लाइट in the light, right? And I'm done. दूसरी आंख पे भी कर लेते हैं. इसको अच्छे से मर्ज करना है गाइस, अदरवाइज आपका आई शेडो बहुत ज्यादा ऑड लगेगा. इट विल लुक लाइक दैट आपने कुछ जबरदस्ती कुछ आंखों पे लगा दिया है बस. So it's very very important to merge the eyeshadow. That's it. इसके बाद हम जो क्या हम use करेंगे अपना काजल, because मैं I'm a काजल person. मैं काजल लगाती हूँ, मैं काजल के बिना नहीं निकलती. So I'm using Maybelline का कॉलोसल काजल and मैं ये पिछले 10 साल से यही use कर रही हूँ and I love this. मुझे इसका effect पसंद है. So I love this his this texture. Guys, मैं काजल के साथ साथ इसको थोड़ा सा नीचे भी इफेक्ट दे रही हूँ टू मेक माई आईज लुक बिगर. मेरी आंखें बड़ी ही हैं बट आई लव टू डू दिस.
एंड इट्स सॉर्टेड, आई एम डन. गाइस मैं आपको एक साफ सी बात बताऊं, आई डोंट नो कि बाकी कैसे मेकअप करते हैं. बाकी बहुत अच्छे यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे मैंने मेकअप वीडियोज़ देखी हैं, बहुत मतलब एफिशिएंट है लोग मेकअप करने में. आई एम नॉट ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ. आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल डू, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. आई एम जस्ट गिविंग अ टच अप, थोड़ा सा मैं मर्ज कर रही हूँ अपने कंपैक्ट को एक बार फिर, सो दैट वो चौकी लुक ना दे. सो आई डोंट नो कि बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते. आई नो कि मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ. दिस इज लिपस्टिक फ्रॉम शुगर, दिस इज शेड नंबर 18, स्कारलेट लेटर, स्कारलेट लेटर फ्रॉम शुगर. सो इतना ज्यादा डार्क नहीं लगानी है, जस्ट द लाइट लिपस्टिक. मैं आई वो लिप लाइनर वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही लगाती हूँ. सो दिस इज माय लुक आफ्टर, दिस इज माय नॉर्मल डे मेकअप लुक, जो कि मैं एक जिसे कहते हैं कि इट्स ए नो मेकअप लुक, जस्ट लिटल ऑफ आई लाइनर एंड लिपस्टिक. सो यस दिस वॉज ऑल. एक नई वीडियो मैं बनाऊंगी जहाँ पे एक हैवी बेस मेकअप होगा, जहाँ पे कॉन्टोरिंग हाईलाइटिंग सब कुछ होगा, बट दैट इज़ फॉर पार्टी. देन आई हैव टू गो टू अ मार्केट और सम टू, आई हैव टू विजिट सम फ्रेंड्स प्लेस और आई हैव टू गो फॉर अ शॉपिंग. सो आई प्रेफर टू बी लाइक दिस, मैं हैवी मेकअप प्रेफर नहीं करती हूँ. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर माई वीडियोज. आप लोग प्लीज़ मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए सो दैट मैं और अच्छी वीडियोस के साथ आपके लिए ला सकूं. एंड अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए. सो बाय दिस आई एम जस्ट एंडिंग दिस ब्लॉग फॉर टुडे. लव एंड पीस, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.